एक बार की बात है, जब बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने सभी किसान भाई को यह बात बताई और सभी किसानों ने सोचा, जब बादल पानी बरसाएंगे ही नहीं तो क्यों ना अपने अपने हल को पैक करके रख दूं। यह सोच सभी किसानों ने अपने हल वगैरह को पैक करके रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था, तभी कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजर रहे थे और उन किसानों से कहने लगे, अरे भाई, जब मैं पानी बरसाऊंगा ही नहीं तो फिर तुम हल क्यों चला रहे हो। किसान बिना कुछ बोले अपने मस्ती में हल चलाता रहा। बादल थोड़ा और नीचे आकर किसान से बोले, कुछ भी कर लो भाई, पानी तो हम बरसाने वाले नहीं हैं, तू बेकार का मेहनत कर रहा है। किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाओ। अब बादल किसान की बातें सुनकर घबरा गए और सोचने लगे, कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। फिर क्या, बादल बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। किसान की मेहनत रंग लाई, उसकी खेतों में हरियाली छाई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहिए, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय निःसंदेह हमारे लिए अच्छा ही होगा। एक्चुअली रियल लाइफ में भी यही होता है। हम सोचते हैं अभी तो बहुत ठंड है, गर्मी है, कोरोना है, लॉकडाउन है वगैरह वगैरह सोचकर हाथ पैर समेट कर बैठ जाते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए मेहनत करते रहते हैं और एक्चुअल में उसी को सफलता मिलती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। इसलिए फ्रेंड्स, मेहनत इतनी करो कि स्ट्रगल भी कहे हद हो यार, अब बस भी करो, मान गए तुझे और तेरे सपनों को भी। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने डिएक्शन फैमिली को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग।